प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। शैतान ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और इस ज़माने में वो सारे प्रचारकों का इस्तेमाल करते हुए गलत प्रचार लोगों से करवा रहा है। गलत प्रचार कैसे चल रहा है आज? आज सही में कौन से प्रचार की ज़रूरत है? जब अंतिम दिन आ चुके हैं, जब प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आने वाले वो दिन निकट है, जब एंटीक्राइस्ट का आना निकट है, चारों ओर बीमारियां फैली हुई हैं, नए नए वायरस आते रहते हैं, धरती कंप हो रहे हैं और सतावट बढ़ रही है, उस समय सही में परमेश्वर के लोगों को कौन से वचन की ज़रूरत है, कौन से उपदेश की ज़रूरत है, कौन से प्रचार की ज़रूरत है? और सैतान ने आज लोगों के दिल में क्या डाल कर रखा है? आज का प्रचार कौन सा गलत प्रचार कर रहे हैं? कहीं आप तो गलत प्रचार के शिकार नहीं, कहीं आप तो नहीं फंसने वाले? जिन जिन लोगों ने गलत प्रचार सुना सारे नाश में जाने वाले, और इसलिए सही क्या है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 9 वचन से लेकर उसके 20 वचन तक। मैं यहून्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलिशियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफुसस और स्मुरना और पिरगुमन और थुआतिरा और सर्दिस और फिलाडेल्फिया और लौदिकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटे देखी और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र का सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत उन वरण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य की कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब के लिए सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और इन 7 सोने की दिवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलिशियों के दूत है और वे 7 दिवट 7 कलिशियाँ हैं। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि आज एक बार फिर हमारे साथ जब परमेश्वर बातचीत करने वाले तो हम उस बातचीत को समझ सके, उसे ग्रहण कर सके और जो भी आज परमेश्वर हमको बताने वाले उसको मान कर हम उस पर चलने वाले बने ताकि हम स्वर्ग राज के वारिस बने। अभी 2024 और तकरीबन 2024 वो आधा गुजर चुका, आज 20 तारीख हो गई, बस 10 दिन के बाद
2024 आता खत्मक, और इन दिनों में अगर हम दुनिया के हालात देखें तो दुनिया के हालात वो दिन ब दिन अजीब से होते जा रहे। हर बार गर्मी के दिन होते, लेकिन इस बार जो गर्मी के दिन है वो सभी को बहुत ही भारी पड़ गए और सभी को ये गर्मी बहुत ज़्यादा लगी। आज तक जो मुझे अनुभव नहीं हुआ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि जब मैं लोगों के घर जब प्रार्थना के लिए जाता हूँ तो पहले लोग पानी देते थे, बिठाते थे, लेकिन अब जब जाता हूँ तो बोलते आओ आओ पहले एसी में बैठो, पहले एसी में बिठाते। मतलब गर्मी इतनी है क्योंकि वो लोग एसी के बिना बैठ नहीं सकते, इसलिए मुझे भी एसी में बिठाते, मतलब एक और सुविधा। लेकिन ये सुविधा ये कहने के लिए जा रही है कि गर्मी सच में इस बार वो बहुत बड़ी है। साथ में अभी एक नया वायरस वो धीरे धीरे अपने पांव बढ़ा रहा है, अपना अस्तित्व फैला रहा है, जिसका नाम लोगों ने दिया है H5N1, और वो धीरे धीरे दुनिया में फैलता जा रहा है। और जो लोग जानकार है उन लोगों का कहना ऐसा है कि पिछले दिनों में जो कोरोना नाम की बीमारी आई थी उससे 100 गुना घातक है और तकरीबन 5 करोड़ लोगों को ये वायरस मार देगा। अभी जापान में देखो तो मेरे अंदाजे से पिछले हफ्ते से जापान में एक बैक्टीरिया निकल आया है और वो जिसके भी अंदर जाता है 48 घंटे में उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया इंसान के अंदर जाकर उसका मांस ही खा जाता है और उसका नाम इन लोगों ने रखा है कि मांस खाने वाला बैक्टीरिया। अभी हफ्ते से ये जापान इस बात से बहुत परेशान है और वो बैक्टीरिया अभी यूरोप के देशों के अंदर भी वो फैलने लग गया है। भारत में देखो अगर ऊपर की साइड जाओ, यूपी की साइड जाओ, तो यूपी में बहुत गर्मी है और साउथ में जाकर देखो तो वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। एक ही देश लेकिन कहीं पर ज़्यादा गर्मी तो कहीं पर इतना पानी कि लोगों के घर में पानी घुस चुका है, बाढ़ आ चुकी है। साथ में जो मसीह का विरोधी आने वाला है वो तो आएगा, तब अपने आप को प्रकट करेगा, तब की बात तब, लेकिन उसके सारे काम वो अभी से लोगों के जीवन के अंदर वो दिखाई देते। वो आएगा, परमेश्वर के लोगों को परेशान करेगा, सताएगा, तो ये सारे काम अभी भी हो रहे और अभी भी ये एंटीक्राइस्ट जो है उसके सारे काम हमें दुनिया में देखने को मिल रहे। कई जगह पर सतावट बढ़ चुकी है, कई जगह पर बाइबल के ऊपर बैन लग चुका है, कई जगह पर बाइबल रखा भी नहीं जाता, घर में भी नहीं रख सकते, ऐसे हालात हो गए। कई जगह तो ऐसी है कि जहाँ पर सिर्फ अगर बोले कि मैं मसीह को मानता हूँ तो अभी मौत की सज़ा है, ऐसे हालात वो दुनिया में हो रहे हैं और अभी हमारे सामने ये सब कुछ चल रहा है। साथ में लड़ाइयाँ चल रही है देश देश के विरोध में, इसराइल की लड़ाई चल रही है, हमास की लड़ाई चल रही है, पैलेस्टाइन लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, तो इधर यूक्रेन रशिया वो भी 1 साल से ज़्यादा हो गया वो लोग भी लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या हमको दिखा रहे हैं, ये सारी बातें हमें क्या बताने के लिए जा रही है, ये सारी बातें जो हो रही है इसका मतलब ये है कि प्रभु उसने जो अपने चेलों से कहा था कि जब मैं आऊँगा वापस मेरे आने का होगा उस वक्त इस संसार के अंत के जो निशान है वो यही है। प्रभु उसके दूसरी बार आने के जो निशान है वो सारे यही है और ये सारे निशान अभी जितनी बातें मैंने बताई वो सारी बातें यही है कि अब प्रभु यीशु का आना वो निकट है, प्रभु यीशु का आना वो बहुत पास में वो हो चुका है। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो अंतिम दिन है उसके निशानों से उसके चिन्ह से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। ये अंतिम दिन के जो निशान है चाहे लोग अपनी आँखों से देखें लेकिन उनको सच में कुछ पता नहीं चलता। जब नूह इस धरती पर थे तब भी अंतिम दिन चल रहे थे, जब नूह थे तब परमेश्वर ने नूह को बोल दिया था कि नूह मैं इस धरती का नाश कर दूंगा, क्या उस वक्त भी इस धरती का अंत आया नहीं था? उस वक्त भी तो अंत था, सिर्फ नूह के सिवा
उनके परिवार के सिवा बाकी सभी लोगों का नाश होने वाला था। लेकिन क्या वो अंत के जो निशान थे उस वक्त तक, क्या उस जमाने के लोगों को पता चला कि हाँ सही में अंत होने वाला है? क्या कर रहे थे वो लोग? खा रहे थे, पी रहे थे, वो लोग शादी कर रहे थे और शादी करवाते थे, यही तो काम चलता था। अगर किसी को पता चल जाए कि अंतिम दिन है तो वो काम ये नहीं करेगा। लेकिन उस वक्त के लोगों को पता नहीं चला कि अंतिम दिन आ चुके, कभी भी बाढ़ आएगी, कभी भी धरती डूब जाएगी। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता चली। जहाज़ बनता गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। लोग शादी करते रहे, करवाते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मौज मस्ती करते रहे, और आखिर में ऐसा हुआ कि अंत आ भी गया और सभी लोग ख़त्म हो भी गए। जब हम सदोम अमोरा की बात करते, चाहे उस वक्त पूरी दुनिया का नाश नहीं हुआ, लेकिन सदोम और अमोरा का तो नाश हो गया और वो भी हमेशा के लिए नाश हो गया, आज तक फिर से नहीं बसा हो। और सदोम और अमोरा का अंतिम दिन था, लेकिन कहाँ किसी को पता चला कि हम अंतिम दिन में पहुँच गए। उस वक्त भी सदोम और अमोरा के लोग खा रहे थे, पी रहे थे, ब्याह कर रहे थे, खेत में बीज बो रहे थे, काट रहे थे। इतना ही नहीं, वो लोग अपने पापों में मस्त थे और उन लोगों को भी पता नहीं चला कि सदोम और अमोरा का अंतिम दिन आ चुका है। उस वक्त तक वो लोग वही संसार के कामों में बने रहे और उन लोगों को अंतिम दिन नहीं दिखाई दिया। और मैं आज आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज भी जिसे हम विश्वासी लोग कहते हैं, जिसे हम आत्मिक लोग कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर के लोग कहते हैं, उनको आज भी ये अंतिम दिन वो नहीं दिखाई देते। अभी भी कई लोगों को लगता है हाँ आएंगे प्रभु यीशु, लेकिन ज़्यादा नहीं तो लेकिन 50 साल तो लग जाएंगे। अभी मालूम नहीं कहाँ से उन लोगों ने गिनती की, मालूम नहीं। आज भी लोगों को अंतिम दिन नहीं दिखाई दे रहे, आज भी ये सारे निशान हो रहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी लोग खा रहे, आज भी लोग पी रहे, आज भी लोग बिंदास से जीवन जी रहे, आज भी अंतिम दिन ही चल रहे। लेकिन नूह के वक्त लोगों को नहीं पता चला, सदोम अमोरा वासियों को नहीं पता चला, इसी तरह से आज लोगों को भी ये जो अंदाज़ा आना चाहिए अंतिम दिनों का, वो नहीं आ रहा है। और ये बात बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखी है। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 और हम पढ़ेंगे 26 से लेकर 29। जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जड़ प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। देखो, ना नूह के ज़माने में किसी को पता चला, ना लूत के वक्त किसको पता चला। सभी लोग अपनी मर्जी से जीवन जीते रहे, उनको अंतिम दिन के बारे में नहीं पता चला। और प्रभु उसने क्या बोला, मेरे आने के वक्त ऐसा ही होगा। उस वक्त लोगों को नहीं पता चला तो मेरे आने के वक्त भी लोगों को पता नहीं चलने वाला। जिस तरह नूह को पता चल गया, जिस तरह लूत को पता चल गया, जो धर्मी है, जो आज्ञाकार है, उनको पता चलेगा, बाकी लोगों को ये अंतिम दिन के बारे में नहीं पता चलेगा। क्या आज आप सभी लोगों को ये अंतिम दिन जो है वो दिखाई देता है? क्या आज आपको पता चल रहा है कि हम अंतिम दिनों के भी अंतिम हिस्से में आ चुके? क्या आज आपको वो निशान दिखाई दे रहे? क्या आज वो निशान देखकर आपके अंदर विश्वास है कि हाँ मेरे प्रभु यीशु कभी भी आ सकते? क्या आज भी आपके जीवन में बर्थडे पार्टी नहीं चल रही? क्या आज भी मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज की पार्टियाँ क्या आज भी नहीं चल रही? क्या आज भी आप लोगों को अपने बच्चों की भविष्य की फिक्र नहीं? कितने दिन बाकी कि आपको अभी भी अपने बच्चों की भविष्य की फिक्र है? अभी भी लोग अपने बच्चों की भविष्य की योजना बनाकर बैठे कि
क्या अभी भी आप बाहर जाकर फॉरेन में जाकर कुछ कमाई करने की सोच नहीं रहे? क्या अभी भी आप धनवान बनने के लिए कुछ करने की सोच नहीं रहे? क्या आपको सही में विश्वास है कि हाँ अंतिम दिन आ चुके हैं? वो लक्षण आज विश्वासियों के अंदर जो दिखाई देने चाहिए, ना नूह के वक्त दिखाई दिए, ना लूत के वक्त दिखाई दिए, और प्रभु उसने बोला जब मेरा आना होगा तब भी वही बात होगी, किसी के अंदर ये बात नहीं दिखाई देगी। आज भी लोग लोन ले लेकर 15-15, 20-20 साल के लिए लोन लेकर आज भी लोग घर बनाने की योजना बनाकर बैठे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे। और कितने साल? क्या 15 साल तक आप जियोगे? क्या 15 साल तक प्रभु आएंगे ही नहीं? आज भी लोग इसी तरह से योजनाएं बना बना कर बैठे। और मालूम है आज भी जो पास्टर लोग हैं, आज भी जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, आज भी जो परमेश्वर के दास लोग हैं, आज भी उनके उपदेश के अंदर वही झूठ चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। आज भी पास्टर लोग गलत शिक्षा और गलत शिक्षाओं के पीछे पड़े हुए हैं, और वहाँ पर जाने वाले इतने ही खुश है गलत शिक्षा से, क्योंकि गलत शिक्षा वो सही में मीठी लगती है। गलत शिक्षा जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है। आज भी पास्टर लोग अंतिम दिनों के अंदर ऐसा प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाई के ऊपर ले जाएंगे, परमेश्वर आपको चंगाई दे देंगे, आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, चेक करो जल्दी से, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ। एक पास्टर अपनी मीटिंग में लोगों को बोल दिया, अपनी जेब चेक करो, कितना पैसा है गिन लो, बैंक बैलेंस चेक कर लो, मोबाइल में एप्लीकेशन है देख लो, और मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, आपको मैसेज आएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपकी जेब देखना उसके अंदर पैसे आ गए होंगे। पास्टर ने प्रार्थना की और बोला जिन जिनके जेब में पैसा आया वो लोग आकर गवाही देख, और सच में लोगों ने गवाही दी, मेरी जेब में 500 रुपये आ गए, तो किसी ने बोला मेरी जेब में 2000 आ गए। अभी कितनी झूठी बात है। सिर्फ सोचो कि अगर पास्टर ने ऐसी प्रार्थना की कि सभी के जेब में पैसे बढ़ जाए, जो सभी के जेब में नहीं बढ़े, मैं बोलता हूँ किसी एक की जेब में बढ़ गए, मान लो ज़्यादा नहीं 500 रुपये बढ़ गए, तो उसने तो प्रभु से प्रार्थना की, तो उसके कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने 500 रुपये बढ़ा दिए। जो प्रभु से 500 रुपये बढ़ा दिए तो प्रभु यीशु नोट बनाने के लिए तो नहीं बैठे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के पास अथॉरिटी तो है नहीं नोट बनाने की, वो तो RBI की अथॉरिटी है, वो गवर्नर की साइन चाहिए, तो प्रभु यीशु नकली नोट तो बना नहीं सकते। तो अगर किसी के जेब में आई तो असली नोट आई होगी, अगर उसकी जेब में नहीं थी तो उससे पहले किसी के जेब में तो होगी, तो उसकी जेब से चुरा कर इसकी जेब में डाली किसने? क्या प्रभु से काम करेंगे? क्या प्रभु से किसी की जेब से चोरी कर कर अपने किसी विश्वासी की जेब में पैसे डालेंगे? ये गलती से भी नहीं हो सकता। मालूम है लोगों को अंदाजा नहीं, लोग सोच ही नहीं रहे कि मेरे प्रभु ऐसे है ही नहीं, वो नोट आ ही नहीं सकते, और आई है तो शैतान लेकर आया बस, क्योंकि प्रभु यीशु किसी की जेब से निकाल कर और किसी की जेब में पैसे नहीं डाल सकते, ये बात ख़त्म हो गई। लेकिन इंसान समझता नहीं कितना पावरफुल पास्टर, क्या प्रार्थना है उसकी, मेरे बैंक में बैलेंस बढ़ गया, और जब तुझे ये नहीं मालूम कौन डाल कर गया, तेरे बैंक में आए कहाँ से पैसे, किसने गड़बड़ी कर दी? तो क्या परमेश्वर ऐसी गड़बड़ी करेंगे? क्या ऐसे चमत्कार परमेश्वर करेंगे? और आखिरी दिनों में यह सब कुछ हो रहा है। आज भी लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रभु सुन आपको चुना है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आप परमेश्वर के याजक लोग हो, आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, ये सब कुछ बाइबल में ही लिखा है। लेकिन ऐसा प्रचार करने को किसने बोला? किसी ने बोल दिया है कि आप चुने हुए, तो आप चुने हुए हो गए, चुनाव ऐसे ही हो जाता है। एक फालतू कंपनी में जाओ, फालतू जॉब के लिए, सिर्फ क्लर्क की जॉब के लिए जाओ, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो बुलाएंगे इंटरव्यू लेके, तब जाना पड़ेगा, इंटरव्यू में अपनी जो भी डिग्री हो बतानी पड़ेगी, इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तब जाकर एक क्लर्क की जॉब आपको मिलती है, तब आपका चुनाव होता है, और स्वर्ग के लिए ऐसे ही चुनाव कर देंगे परमेश्वर। बस किसी पास्टर आप चुने हुए लोग, आप परमेश्वर की प्रजा, और ये सब कुछ झूठ सुनकर सभी लोग खुश हो जाते,
कई लोग तो यहां तक बोल देते आप तो परमेश्वर के याजक हो। लिखा है बाइबल में, मना नहीं करता कि बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन वो किसको लिखा? वो सभी के लिए नहीं लिखा है। बीड़ी पीते हुए और परमेश्वर बोलेंगे कि हाँ तू मेरा चुना हुआ, शराब पीते हैं और वो परमेश्वर का याजक, व्यभिचार करते हैं और परमेश्वर की अपनी प्रजा, कैसे हो सकता है ये सब कुछ? लेकिन पास्टर इस तरह से वो प्रचार करते और लोग खुश हो जाते, डरो मत, प्रभु से आपके लिए जगह तैयार किए, दुखी मत हो, व्याकुल मत हो, प्रभु से बोला है मैंने तुम्हारे जगह तैयार किए। लो, प्रभु से तेरे लिए जगह तैयार की, तू उस जगह के लिए योग्य है भी या नहीं? प्रभु से हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, अपनी जान दे दी, अब क्या तुझे नर्क में डाल देंगे? नहीं डालेंगे, फिक्र मत करो, कुछ भी करो नर्क में नहीं डालेंगे। बहुत ध्यान से समझना, ये सारे प्रचार गलत है। आज परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा है, परमेश्वर सारा कर्जा उतार देंगे। जब कर्जा लेने के लिए गया तब प्रभु के पास गया, प्रभु कर्जा करो, और कर्जा लेने के बाद उतर नहीं रहा तो प्रभु के पास, और प्रभु कर्जा भी उतार देंगे। कितना फालतू प्रचार, प्रभु आपका घर बना देंगे, वो फिर कर्जे में चला जाएगा, लोन लेगा, प्रभु ने मेरा घर बना दिया, फिर वापस आएगा, अब मेरा कर्जा उतारो, बस यही चक्कर चला रहा है। ये सारे काम क्या हमारे परमेश्वर करेंगे? परमेश्वर तुम्हें गाड़ी देने के लिए जा रहे, तो प्रभु से खुद चलकर घूम रहे थे। लेकिन प्रचार इस तरह से करते हैं, इतना जोरों जोरों से बोलते हैं ना, माइक भी फट जाए, स्पीकर भी फट जाए, और मालूम है लोग बहुत खुश हैं, क्या पावर से बोल रहा था, क्या पावर से। लेकिन इतने पावर से तेरा कर्जा गया, इतने पावर से तेरे घर में गाड़ी आई, वो तो देख, वो तो बोला पावर से, आप लोग उसको देख रहे थे, और वो चिल्लाने वाला आपकी जेब देख रहा है कितना डाल के जा रहा है। वो डायरेक्ट परमेश्वर से ना मांगा, परमेश्वर इन सबको इतनी गाड़ी दे तो दो, मेरे घर में भी रख लेना, इनका बैंक बैलेंस बढ़ा रहे तो सभी को जितना बढ़ा इतना मेरा भी बढ़ा देना, क्या दान की जरूरत थी? क्यों दान मांगते, क्यों दशमांश मांगते? जब लोगों के पैसे बढ़ा रहे, जब लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे, तो साथ में परमेश्वर को ना बोला, परमेश्वर साथ में मेरा भी देख लेना। गलत बात है, झूठा प्रचार है, लेकिन विश्वासी लोग वो समझ में नहीं पा रहे, और ये सारे प्रचार गलत है। वो मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा, लेकिन ये बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल से पता चलता है कि सारे प्रचार गलत है। आज जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय 9 वचन से लेकर 20 वचन तक देखा, और वहाँ पर यूहन्ना जो प्रभु से के खास चेले रह चुके थे, वो यूहन्ना पात्मस नाम के टापू पर थे, उनको आत्मा में, उनका शरीर वहीं पर था, आत्मा निकाल दिया, और आत्मा निकाल कर उनको परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिखाए, और दर्शन में यूहन्ना ने प्रभु यीशु को ही देखा, और प्रभु यीशु को देखा तो उसमें हम एक ही बात देखना चाहते हैं, और हम पढ़ते हैं उसका 16 वचन पढ़ो तो। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज देवदोधारी तलवार निकलती थी। यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु के मुँह से 2 धारी तेज तलवार निकल रही थी। सिर्फ आप अंदाज़ा लगाओ, क्या किसी के मुंह से दोनों ओर तेज और धार वाली तलवार निकल सकती है? अगर मुंह से तलवार निकलेगी तो मुंह रहेगा क्या? ध्यान से समझ, लिखा यही है कि प्रभु यीशु के मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही थी। ये प्रकाशित वाक्य में पूरा कोडवर्ड लिखा है, ये जो 2 धारी तलवार है वो 2 धारी तलवार सही में नहीं है। मैं यहाँ पर बाइबल में जो लिखा है प्रभु के बारे में कि उनके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती थी, किसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती थी? प्रभु के मुंह से। पता है तलवार क्या है? और बाइबल में ऐसा लिखा है इफिसी उसका अध्याय 6 और वचन 17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर लिखा है तलवार मतलब परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु के मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, इसका मतलब
जो सांसारिक तलवार वो नहीं निकलती, प्रभु के मुंह से वचन निकलते हैं। लेकिन वो वचन ओदोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। बाइबल के अंदर तलवार बताया गया है, ध्यान से समझना कि तलवार मतलब परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का वचन है। और वचन जब पुकारते हैं तो वचन पुकारने का दूसरा मतलब होता है तलवार चलाना। जो पास्टर, जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का सेवक, जो भी भविष्यवक्ता, जो भी एपोस्टल, जो भी है, लेकिन जिसके मुंह से परमेश्वर के वचन निकलते हैं वो वचन नहीं, वो दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार मुंह से निकलती है और दोधारी तलवार मतलब परमेश्वर के वचन है। और मालूम है ये तलवार कैसी है, ये वचन कैसा है? और इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका अध्याय 4 और वचन 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार जैसा है, उससे भी ज़्यादा तेज है। और जब ये तलवार चलती है, ये परमेश्वर का वचन चलता है, तो यहाँ पर लिखा है प्राण और आत्मा दोनों को जुदा कर देता है। हालेलुया। वो ये परमेश्वर का वचन शरीर और आत्मा दोनों को जुदा कर देता है। शरीर अलग निकल जाता है, आत्मा अलग निकल जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, उनका वचन कहता है गलाती 5:16 में, आत्मा से चलो ताकि देह की इच्छा पूरी ना करोगे। आत्मा से चलने को बोलते हैं, लेकिन सभी जगह पर सभी लोगों के पास आत्मा और शरीर दोनों साथ में। एक पास्टर ने प्रचार किया और प्रचार करते करते बीच में बोलने लगे, प्रभु यीशु भी हमारे बीच में है और प्रभु यीशु मुझसे ऐसा कह रहे हैं कि मांगो मांगो, आज जो लोग जो मांगेंगे मैं उनको दे दूंगा। किसी ने कार मांग ली, किसी ने बंगला मांग लिया, किसी ने सोना मांग लिया, किसी ने चांदी मांग ली। अरे परमेश्वर का वचन चलता है तो शरीर और आत्मा को जुदा कर देता है, फिर शरीर वहाँ पर काम नहीं करता, सिर्फ आत्मा वहाँ पर काम करता है। इसे आत्मा की तलवार कहा गया है। परमेश्वर का वचन जब चलता है तो इंसान शारीरिक नहीं रहता, वो आत्मिक बन जाता है। ये तलवार है दोधारी तलवार, और ये तलवार ऐसी वैसी नहीं है। और ये तलवार चलाना मतलब प्रचार करना। और जब तलवार चलती है, अगर किसी को तलवार मारोगे, प्रचार करना मतलब तलवार चलाना। अगर जब तलवार चलती है, जब वचन चलते है, तलवार चलती है, तो क्या लोग खुश हो जाएंगे? किसी को तलवार मार तो खुश हो गया, अरे बहुत मज़ा, बहुत गुदगुदी होती थी, तलवार से गुदगुदी होती है, तलवार से लोग घायल हो जाते। जब परमेश्वर के वचन चलते हैं तब किसी को अच्छा नहीं लगता, सभी लोगों के अंदर भय आ जाता है, डर आ जाता है। अगर सही में उसे सुना है तो, सही में उस तलवार का उसने अनुभव किया है तो, अगर उसका ध्यान नहीं फिर उसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जितने ध्यान से सुनते, जो लोग प्रभु से को सुनते थे, प्रभु से को बोलते बोलो, और जब प्रभु से बोलते थे प्रभु से को पर गुस्सा करते थे और प्रभु से को मारने के लिए भागते थे, हमको सुना गया। तलवार का मतलब ही यही है। लेकिन तलवार चले और खून ना निकले तो फिर गलत बात है। तलवार चलती है तो फिर खून निकलना ही चाहिए। एक जगह पर मैं हाजिर था, पास्टर लोगों की मीटिंग थी और उनके बड़े बड़े पास्टर भी सब लोग उनको सिखाने के लिए आए थे। मेरा रोल तो वहाँ पर था नहीं, ना सीखने का ना सिखाने का, लेकिन मैं वहाँ पर हाजिर था। अब एक पास्टर ने प्रचार कर दिया और प्रचार करने के बाद लोगों को पूछ लिया, कितने लोग आशीषित हुए इस प्रचार से? सभी लोगों ने हाथ उठा लिया, लेकिन पहली लाइन में एक लड़का बैठा था मुश्किल से 25-26 साल का, उसने अपना हाथ नहीं उठाया। तो पास्टर ने फिर पूछा कि आज के प्रचार से कितने लोग आशीषित हुए? फिर सभी लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन वो 25-26 साल के लड़के ने हाथ नहीं उठाया। अब इनको अपमान जैसा लगा, ये हाथ नहीं उठा रहा है। उसको बोला कि तू सुनकर आशीषित नहीं हुआ? बोले जितने लोगों ने हाथ उठाए सारे झूठे, मैं झूठा नहीं हूँ। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा सुनने से आशीषित होते, वचन मानोगे उस पर चलोगे तो परमेश्वर की आशीष आएगी, ऐसा बाइबल में लिखा है। अगर सुनकर लोग आशीषित होते तो जॉब करने की क्या ज़रूरत थी,
कारोबार करने के क्या, जो बस वचन सुनते आशीष हो जाते, घर बन जाता, गाड़ी आ जाती, सब कुछ हो जाता। वचन सुनने से कुछ नहीं होता, मानना पड़ता है उसको। उसको मानते हैं तो आशीष मिलती है। उस लड़के ने स्पष्ट बोल दिया, वचन आपने अच्छा सुनाया, मैं मानूंगा उसके ऊपर, उसके ऊपर चलूंगा तो परमेश्वर की आशीष आएगी, लेकिन नहीं चलूंगा तो परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी। लेकिन अभी तो आपने प्रचार किया, कैसे आप पूछ सकते हो कि कितने लोग आशीषित हुए? तलवार सही में चलती है तो खून वो बाहर निकल आता है। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 48वां अध्याय और वचन 10, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, श्रापित है वो इंसान जो आलस्य से परमेश्वर का काम करता है और तलवार नहीं चलाता, लहू नहीं निकालता। कितना स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर का वचन तलवार के समान है। और जब प्रचार होते तो लोगों को बुरा लगना चाहिए, आज मुझे सुना गया, लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आज मेरे अंदर की कमी घटी इस वचन के द्वारा प्रकट हो गई। ये नहीं कि लोगों को गुदगुदी हो, लोग खुश हो जाए, अब तो बहुत बड़ा प्रचार था, हम आशीषित हो जाएंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, और होता कुछ नहीं है। ऐसा प्रचार नहीं, प्रचार मतलब तलवार चलाना, और तलवार चलती है तो लहू तो निकलता ही निकलता है। और परमेश्वर कहते हैं कि जो लहू नहीं बहाता अपनी तलवार से वो तो श्रापित हो। वचन ऐसे ही होने चाहिए कि लोगों के दिल में वो वचन लगना चाहिए। पहला कुरंथी पढ़ लेना पूरा 16 अध्याय। पौलुस ने करंथी कलीसिया को इतना डांटा, भला बुराई का उनको यहाँ तक बोल दिया कि लाठी लेकर आओ क्या तुम्हारे लिए, मानते नहीं हो, समझते नहीं हो। कोई आशीष वाली बात नहीं थी, कोई छुटकारे वाली बात नहीं लिखी थी, सिर्फ उनको डांटा था। अगर इंसान के जीवन के अंदर कमी घटी हो और तलवार से कमी घटी ना दिखाए तो वचन किस काम का। जब पत्रस ने प्रचार किया तो बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 37वचन, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। देखो यहाँ पर लिखा है इनके हृदय छिद गए, तलवार चले और हृदय ना छिदे, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन मतलब तलवार है, और वो तलवार चलते तो लोगों के हृदय छिद जाते, और यही तलवार प्रभु यीशु के मुंह से निकल रही थी। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु को देखा तो प्रभु यीशु के मुंह से ये तलवार निकल रही थी, मतलब वचन निकल रहे थे, वो वचन जो तलवार से कम नहीं है। मैंने शुरू में दुनिया के हालात बताए, कैसे हालात है दुनिया में, कैसा हो रहा है, कैसे कैसी बीमारियाँ, कैसे कैसे वायरस फैल रहे, कैसी गर्मी, जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ मैंने बताया। लेकिन अंतिम दिनों के बारे में पता चलता किसको है? किसी को नहीं पता चल रहा है, जैसे नूह के ज़माने में था वैसे ही। लेकिन जो लोग आज समस्या में पड़े हुए उनको जाकर देखो, उनके पास जाकर देखो। एक बहन से मैं मिला, काफ़ी पैसा, बंगले के समान घर, बेटे की और खुद की दोनों किडनियाँ फेल, एक एक दिन छोड़कर डायलिसिस करवाना। और मालूम है बहन ने क्या बोला, सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे किडनी मिल जाए, मेरी किडनी ठीक हो जाए, परमेश्वर मेरी किडनी ठीक कर दे, बस मेरे पास जो भी पैसा है सब ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी किडनी ठीक हो जाएगी। और आज लोग आशीष के पीछे पड़े, परमेश्वर का बैंक बैलेंस पड़ा जैसे प्रचार उनको अच्छे लगते। जिनके पास है उनके जाकर पूछो कि पैसा नहीं काम कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोरोना के वक्त एक लड़का जवान, गांव का लड़का था, वडोदरा शहर के एक अस्पताल का सीन में बताता हूँ आपको। डॉक्टर को हाथ जोड़कर बोल रहा है, डॉक्टर मेरे पास 35 बीघा ज़मीन है, मैं सारे की सारी अभी आपको दे रहा हूँ, सिर्फ मुझे जीवन दो, मुझे जीना है, 35 बीघा ज़मीन सिर्फ जीने के लिए वो लड़का वो दे रहा था। लेकिन फिर भी उसको कोई जीवन नहीं मिला। प्रभु यीशु कहते ना नूह के ज़माने के लोगों को पता चला, ना लूत वाले को पता चला कि अंतिम दिन आ चुका है। और प्रभु यीशु बोलते मेरे आने के वक्त वैसे ही दिन होंगे।
ना उन लोगों को पता चला, ना आज के लोगों को, आज के विश्वासी लोगों को ये बात नहीं पता चलेगी। आज भी लोग खाते पीते रहेंगे, आज भी लोग शादी ब्याह करते रहेंगे, आज भी सभी लोग वही करते रहेंगे। अभी ध्यान से समझना, जो बाइबल में नहीं लिखा लेकिन फिर भी बाइबल में छुपी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बाइबल में जब लूत का वक्त था, और उस वक्त जो लूत के लोग थे उसमें लूत तो बचाए गए, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे सदोम और अमोरा में वो सारे नाश हो गए। लेकिन जब तक आग आई तब तक लूत के लोग क्या कर रहे थे, सदोम और अमोरा के लोग क्या कर रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, व्यभिचार में थे, मौज मस्ती में थे। लेकिन जैसे ही लूत बाहर निकले वैसे ही ऐसी घटना हुई कि वहाँ पर आग का आना शुरू हो गया। अभी ध्यान से समझना, बाइबल में नहीं लिखा आग कैस किस तरह से आई, लेकिन मैं अभी बोलता हूँ कि हम इस घर में बैठे हुए थे, अगर इस घर में, अगर इस कमरे के अंदर जहाँ पर अभी हम इकट्ठा हुए, अगर इस कमरे में आग आना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे, दरवाजे से भागेंगे या तो किचन से भागेंगे। लेकिन हमारे पास रास्ता है इसलिए, लेकिन समझो इस कमरे में आग नहीं आ रही, लेकिन इस घर के चारों ओर आग आ रही है, और वो चारों ओर आग एक बार सर्कल बनाकर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप बचकर कहाँ भागोगे, है कोई रास्ता, फिर कोई रास्ता नहीं। बस इसी तरह से सदोम और अमोरा में आग आई होगी। अगर कहीं कहीं से आग परमेश्वर ने भेजी होती तो लोग इधर उधर भागते और टाइम लगता इनको जलाने में, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया होगा, सदोम और अमोरा की जो सरहद थी चारों ओर पे आग लगा दी, और वो आग धीरे 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 आगे आगे बढ़ने लगे होंगे। अभी सोचो आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कुछ लोग जिनको नहीं पता था वो समझ लो आग में मर गए, लेकिन बाकी के लोग भागे। लेकिन भागेंगे कहाँ, चारों ओर तो आगे, तो भागेंगे कहाँ, बीच की ओर, अभी बीच में आग नहीं आई। अभी समझ लो कि कई लोग, समझ लो 10,000 लोग बीच में जमा हो गए, अभी तक उनके पास आग नहीं पहुंची, लेकिन आग की गर्मी उनको भी अभी अनुभव करवा रही है। आग धीरे धीरे बढ़ रही है, सभी लोग अपने पीछे देखो, हाँ और पास में आ गए, और पास में आ गए, अभी उनके ऊपर नहीं आए, अभी उनके कपड़े नहीं जले, अभी उनको कुछ नहीं हुआ। समझ लो वहाँ पर एक पास्टर को छोड़ दो, और अभी उस पास्टर को बोलो कि पास्टर तू यहाँ पर प्रचार कर। अब वो पास्टर वहाँ पर ऐसा प्रचार करते हैं, ए सदोम अमोरा वासी लोग डरो मत, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, देखो अपनी जेब में कितने पैसे हैं। कोई देखेगा, अभी तो आग पीछे पड़ी है, एक मिनट दो मिनट लगेंगे, पाँच मिनट लगेंगे, दस मिनट लगेंगे, लेकिन हम तो मरने वाले, पैसा क्या करेंगे। ए सदोम अमोरा वासी डरो मत, तुम्हारे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, उनका भविष्य परमेश्वर बनाएंगे। अरे कौन सा भविष्य बनाएंगे, अंतिम दिन तो आ चुका है, चारों ओर आग लगी है, कौन अपने बच्चे की योजना बनाएगा, कौन अपने घर बनाने की योजना बनाएगा, क्या इस पास्टर के वचन को सुनेगा। आज तो सुनते हैं ना, आज क्यों सुनते हैं, क्योंकि आंखें अंधी हो गई है, दिमाग अंधा हो गया है, इनको अंतिम दिन नहीं दिखाई दे रहे, ये सारे निशान नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए आज ऐसी जगह पर लोग भाग रहे। लेकिन तलवार में लहू चलता है, लहू निकलता है, तलवार चलता है तो गुदगुदी नहीं होती, आनंद नहीं होता, डर लगता है। अगर चार ओर आग लगी है तो उस वक्त वो पास्टर सिर्फ एक ही प्रचार करेगा, आग तुम्हारे पास आए तुम्हें खत्म कर दे, उससे पहले तुम्हारे पास जो वक्त है पश्चाताप कर लो, बस पश्चाताप कर लो, बपतिस्मा ले लो, पवित्र आत्मा पालो। यही पास्टर का प्रचार होगा, और यही बात लोग भी सुनेंगे, हाँ पास्टर बोलो हमको, हम क्या करें, किस तरह से बचे, कहाँ पर बपतिस्मा ले, कैसे ले। समझ लो कि नूह का जमाना था, लोग नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे, लेकिन बरसात का आना शुरू हो गया। पहले दिन तो लोगों ने देखा होगा बरसात आई, सब लोग नहाने के लिए निकले होंगे, दूसरे दिन नहाने के लिए निकले होंगे, लेकिन तीसरे दिन धीरे धीरे पानी जमा होने लग गया। अभी भी जहाज़ वहीं पर है, क्योंकि इतना पानी जमा नहीं हुआ कि जहाज़ उठकर भागे, लेकिन तीसरे दिन के बाद इनको डर लगने लग गया होगा, 36 घंटे हो गए, सही में नूह बोल रहा था वैसे हो रहा है, पानी जमा हो रहा है, और धीरे धीरे पानी और बढ़ा होगा,
लोग भागे हो गए उस जहाज की ओर। वेनू जल्दी खोल, जल्दी खोल, मैं डेविड हूँ तेरे घर के तेरा पड़ोसी, जल्दी खोल। नू बोले मैं कैसे खोलूँ, अंदर कुछ कुंडी नहीं है। परमेश्वर ने बाहर से दरवाजा बंद किया, बाहर से कुछ दिखे तो खोल कर अंदर आ जाओ। कोई अंदर नहीं जा रहा है, कोई दरवाजा खोल नहीं पा रहा है। किसी ने बोला गो नू जल्दी खोल, जल्दी खोल, मेरी पत्नी को 9वां महीना चल रहा है, उसको डिलीवरी होने वाली, जल्दी खोल। अब क्या खोले, करो शादी, करो ब्याह, मनाओ पार्टी, जाओ मैरिज एनिवर्सरी में, जाओ बर्थडे पार्टी में, करो ऐश। और समझ लो जहाज पानी के ऊपर उठ गया होगा, जहाज तैरने लग गया होगा, जहाज किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। लोगों ने बचने के लिए जो वहाँ पर चट्टान होगी, जो पहाड़ हो गए उसके ऊपर भागे होंगे। समझ लो 10-12 हज़ार या 5-6 हज़ार किसी पहाड़ के ऊपर जमा हो गए, पहाड़ की चोटी के ऊपर चले गए और वहाँ पर परमेश्वर किसी पास्टर को छोड़ देगा। वो पास्टर उस आखिरी दिन में क्या प्रचार कर सकता है? पीछे मौत है, अंतिम दिन है, क्या प्रचार आशीष का हो सकता है? क्या प्रचार छुटकारे का हो सकता है? क्या प्रचार चंगाई का हो सकता है? क्या प्रचार पैसों पर हो सकता है? ये सारे झूठे प्रचार वहाँ पर नहीं चलने वाले और ना ही पब्लिक सुनेगी, क्योंकि उनको पता चल गया आखिरी दिन है। उस वक्त तो सिर्फ एक ही प्रचार, परमेश्वर को मान लिया होता तो अच्छा था, आज ये दिन नहीं आते। प्रचार चल रहा होता और पीछे पानी बढ़ता जा रहा होता और कई लोग मर रहे होंगे। ध्यान से समझना, ऐसा हुआ नहीं है कहीं पर। ना लूत के ज़माने में कोई पास्टर ने प्रचार किया, ना नूह के ज़माने किसी पास्टर ने प्रचार किया। सिर्फ मैं ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि अंदाज़ा लगाओ कि अगर अंतिम दिन का पता होता तो क्या आशीष का प्रचार होता? अंतिम दिन का पता होता तो लोग आशीष के प्रचार सुनने के लिए जाते, चंगाई का प्रचार सुनने के लिए जाते, बंगला गाड़ी का प्रचार सुनने के लिए जाते, नहीं जाते। लेकिन वही जो लूत के समय में हो रहा था, जो नूह के ज़माने में हो रहा था, आज वही हो रहा है। लेकिन प्रभु से तो वो है जिनके मुंह से दोधारी तेज तलवार निकलती है, और वो तलवार कुछ और नहीं, वो तो परमेश्वर के वचन है। और जब परमेश्वर के वचन चलते हैं तो एक तलवार के समान लोगों के हृदय को छीद कर रख देते हैं। और अगर कहीं पर ऐसा प्रचार नहीं जहाँ पर तलवार नहीं चलती, दिखावे पे मत जाओ, वो प्रचार आपको बचा नहीं सकता। यूहन्ना को प्रभु से दिखाई दिए थे और प्रभु से के मुँह से ये तलवार निकल रही थी। और बाइबल में लिखा है कि हमें प्रभु का जो स्वरूप है उसमें हमें रूपांतरित होना है। और रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 8वां अध्याय और वचन 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। यहाँ पर लिखा है कि हम किसके समान हो, प्रभु यीशु के समान हो, हमें उनके स्वरूप में रूपांतरित होना है, हमें एक बार फिर प्रभु यीशु के जैसे बनना है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमें प्रभु से जैसा बनना है कि नहीं बनना है? आया ना, हमें प्रभु से जैसा बनना है। अगर प्रभु यीशु के जैसा बनना होगा तो प्रभु यीशु के मुँह से क्या निकलता है? तलवार निकलती है। और तलवार क्या है? परमेश्वर के वचन। तो हमारे मुँह से क्या निकलना चाहिए? तलवार निकलनी चाहिए, दोधारी तलवार निकलनी चाहिए, परमेश्वर के ऐसे तीखे वचन निकलने चाहिए, तभी तो हम प्रभु सुख के स्वरूप में रूपांतरित होंगे। लेकिन आज चाहता कौन है? आज चाहता कौन है? एक पास्टर तो खुद बोल रहा है, लोग कैसे सुसमाचार दे रहे, नहीं मानेगा तो मरेगा। तो क्या ऐसा प्रचार करेगा, नहीं मानेगा तो अभी तो स्वर्ग में जाएगा? बोलना ही पड़ेगा भाई, बोले इसको सुसमाचार नहीं कहते तो सुसमाचार किसको बोलते? बहुत ध्यान समझना, आपके घर के बाहर खड्डा है, आपको नहीं पता रात में खड्डा हो गए, और कोई आपको बोलता है संभल कर जाना गिरेगा पैर टूट जाएगा, अभी उसने तो अकड़ से ही बताया, गर्मी से ही बताया, क्रोध में ही बता, देखना अरे फिर भी हाँ तेरे ये कोई सुसमाचार है, मैं जाता हूँ देखता हूँ खड्डे को, और गिरेगा तो क्या पैर नहीं टूटेगा उसका? तो उसने गलत बताया, सही बताया। लेकिन कोई बहुत कोमलता से प्रेम से आपको बताए, बाहर जाना खड्डा है, कोई बात नहीं थोड़ी सी आ जाएगी टिचू, और हल्के से पैर टूटेगा ठिशू, और तू एक सौ 108 आएगी तू चला जाएगा अस्पताल में,
क्या इस तरह से बताना है? सीधा बोलना पड़ेगा, खड्डा है गिरेगा तो मरेगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कुछ नहीं होगा खड्डा है तो क्या है, कुछ नहीं होगा, हमारा परमेश्वर जिंदा है, आपसे प्रेम करते हैं, खड्डे से निकाल लेंगे। अरे तुझे आँखें भी तो दिए तो देखना, आँख से अंधा होता तो परमेश्वर उठा लेते, अंधा कहाँ है, तू देख और खड्डे से बाहर निकल जा। लोगों को नहीं पता चलता है कि सुसमाचार है क्या। सीधा बोलो, मानोगे तो बचोगे, नहीं मानोगे तो नहीं बचोगे। लेकिन मालूम है आज झूठे प्रचारक चल क्यों रहे, झूठी शिक्षा चल क्यों रही? एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी उसका चौथा अध्याय और वचन 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है, अंतिम दिनों में लोगों के भी कान में खुजली आएगी, सच्चा उपदेश नहीं सुन पाएंगे, अब नहीं जाना, सच्चा उपदेश नहीं सुन पाएंगे, कानों में खुजली आएगी, अपने लिए प्रचार खुद ढूंढेंगे, हमको अच्छा अच्छा सुनाओ ना, हमको नर की बात मत करो, हमको ऐसा वचन सिखाओ कि हम सब कुछ सारे गहने पहन सके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके, चाहे हम लड़का है फिर भी हम स्कर्ट पहन सके, घाघरा पहन सके, चाहे हम लड़की है तो अभी हम पैंट पहन सके, हम टी शर्ट पहन सके, हम अच्छे अच्छे बाल बना सके, हमको ऐसा कुछ सिखाओ ना कि सब कुछ करते हुए गे बनकर लेस्बियन बनकर भी हम स्वर्ग में पहुँच जाए। कानों में खुजली आ रही, तभी तो इनकी दुकानें चल रही है। शुद्ध उपदेश मतलब तलवार, और तलवार चलेगी तो खून तो निकलेगा, बुरा तो लगेगा, मानना नहीं मानना आपके हाथ में, लेकिन प्रभु से के मुँह से तो सिर्फ तलवार निकलती है और कुछ नहीं निकलता, और तलवार निकलती है तो खून निकलेगा। शुद्ध उपदेश वही है कि जहाँ तलवार चलती है, कितना भी भागो कहीं पर भी भागो, लेकिन प्रभु से न्याय भी तलवार से करने वाले। और बोले कि मैं न्याय नहीं करने वाला, मैंने जो लिखा है उस वचन से आपका न्याय होगा, उसमें जैसा लिखा है वो ही परमेश्वर देखेंगे, ऐसा किया या नहीं किया, किया होगा तो स्वर्ग, नहीं किया होगा तो नर्क। बाकी जितना भागना हो जहाँ पर भागना हो जाओ, लेकिन प्रभु से कम उसे तलवार निकलती, जहाँ तलवार नहीं चलती तो समझ लो वहाँ पर नर्क के रास्ते आपके लिए खुले। लेकिन शुद्ध उपदेश वही है कि जो सीता आपको सिखाता है, नहीं मानोगे तो मरोगे, लेकिन सुसमाचार यही है। आओ हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचे, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप से सवाल करो कि आज मैं किस जगह पर हूँ। परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज है, जो प्रभु से कम उसे तलवार निकलती है, वही परमेश्वर के वचन है। वो तलवार जब चलती है तब खून निकलता है। जब प्रभु से जितनी बार प्रचार किया लोग प्रभु से ऊपर क्रोधायमान हो गए, बार बार लोग प्रभु से को मारना चाहते और आखिर में मार भी दिया, क्योंकि तलवार चलती है ना तो लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि कानों में खुजली आ रही है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कानों में खुजली आए तो कान काट कर फेंक दो, लेकिन सच्चा उपदेश सहन करो, सच्चा उपदेश मानो, क्योंकि लूत के ज़माने में लोगों ने नहीं माना कि अंतिम दिन आ चुके थे, नहीं माना उन लोगों ने। नूह के ज़माने में लोगों ने नहीं माना कि अंतिम दिन आ चुके, सब कुछ उनके सामने हो रहा था लेकिन नहीं माने, तो क्या हुआ, पानी ने बचा लिया? आप नहीं माने तो हमें पानी उनके ऊपर नहीं आया क्या, क्या आग उनके ऊपर नहीं आई, सब कुछ उनको ख़त्म कर कर ले गई। और इसे मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी ख़त्म हो जाओगे अगर शुद्ध उपदेश को नहीं मानोगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो आप भी ख़त्म हो जाओगे। और इसे मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से तेज है और वही प्रभु से के मुँह से निकलता है। शुद्ध उपदेश सुनो, सच्चा उपदेश सुनो, उसके अनुसार करो, सुनकर भी करना है, और अगर नहीं करोगे तो नाश हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को सच्चाई से सुनो और सच्चाई से मानो, सच्चा वचन सुनो ताकि स्वर्ग जा सको। इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर आपको कृपा देगा।